दोस्तों, क्या महिला आइटम है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्रीमती इमरती देवी नाम की महिला को भरी सभा में अपमानित किया। बेशर्मी की भी हद होती है। बयानबाजी करने वाले लोग भूल जाते हैं कि उनकी भी माँ बहनें हैं। यदि ऐसे राजनेता महिला को आइटम कहेंगे और उनके चमचे बेशर्मी से राजनीतिक मंचों पर ठहाके लगाते रहेंगे तो देश को ऐसे बेशर्म लोग क्या संदेश दे रहे हैं? क्या भारत की राजनीति इतने निचले स्तर तक पहुंच गई है और कांग्रेस की अध्यक्ष का मौन रहना ऐसी ओछी हरकत को स्वीकृति ही तो देता है? किस मुंह से ऐसी ओछी हरकत करने वाले लोग देश की सत्ता और संस्कृति की बात करते हैं? मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जितनी शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के राजनीतिक मंच से किया है, वह उनके घटिया संस्कार को ही दर्शाता है। ऐसे लोग मुख्यमंत्री के सम्मानजनक पद की गरिमा को कलंकित नहीं तो और क्या करते हैं? और तो और, टीवी चैनलों पर कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी असहज हो उस शब्द का दूसरे अर्थ में कहे जाने की दुहाई देते रहते हैं। ऐसे लोग जब अपने घर जाते होंगे तो क्या अपनी माँ और बहनों से आंख मिला पाते होंगे? सच को स्वीकार करने की भी इन बुजदिलों में हिम्मत नहीं है। हमारी बहन श्रीमती इमरती देवी के साथ जो मध्य प्रदेश में हुआ, वह हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। वह भी मध्य प्रदेश जैसे सांस्कृतिक धरोहर से संपन्न राज्य में, जिस राज्य ने अपनी धरती से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कर्मठ व्यक्तित्व को जन्म दिया। क्या नारी की यही स्थिति हमारे देश में है कि हम उनकी सरेआम बेइज्जती करें और फूहड़ता से ठहाके लगाएं? नारी आंदोलन की ओर अग्रसर नहीं होगी तो क्या ऐसी घृणित मानसिकता वाले पुरुषों को माला पहनाकर उनकी आरती उतारेंगी? श्रीमती इमरती देवी के आंसुओं में भारतीय समाज में नारी की पीड़ा है जो भारतीय मानस पर बहुत बड़ा घाव कर जाती है। एक ऐसा प्रहार जिसने हमारी सांस्कृतिक विरासत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सैटेलाइट की सुविधा के कारण दुनिया भर में लोग इस घटना को देख रहे हैं। दुनिया के लोग क्या सोचते होंगे जब वे भारतीय समाज में होती हुई इस ओछी हरकत को देखते होंगे? जब ऐसी दूषित मानसिकता वाले लोग ऊंचे पदों पर बैठ जाते हैं तो वे समाज को क्या कभी उनसे कोई सही और प्रेरणात्मक संदेश मिल सकता है? इस निम्न स्तर पर भारत की राजनीति आ चुकी है कि दल विशेष के लोग भी गलत को गलत कहने का हौसला और बुलंदी नहीं रखते। गांधी परिवार सत्ता की विरासत में सांस लेता रहता है और माँ बेटी और बेटे भारत के प्रजातंत्र और सत्ता पर प्रश्न उठाते नहीं थकते, लेकिन जब अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता की घृणित हरकत की बात आती है तो मौन हो जाते हैं। फिर कैसे लोग उनका विश्वास करें? हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? इन सब कारणों से भी भारतीय समाज में हत्या और बलात्कार की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, कौन जवाब देगा? इसके लिए भारत के बेशर्म राजनेता मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं। प्रशासन करे भी तो क्या, लाचार हो सब देखता रहता है, उबलता रहता है, अपनी शिक्षा को महत्वहीन समझने लगता है, कुछ बोलना तो तुरंत ट्रांसफर। दोस्तों, बेशर्म पुरुष भूल जाते हैं कि किसी महिला के कोख ने ही उन्हें जन्म दिया है और उनसे उत्पन्न होने वाली संतान को भी एक महिला ही जन्म देती है। जो ऐसी भद्दी हरकतें करते हैं वे अपने जन्म पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, अपनी जन्मदात्री को ही गाली देते हैं। ऐसे लोगों के ऐसे ही संस्कार होते हैं और अफसोस होता है जब भारत की राजनीतिक व्यवस्था में ये ऊंचे पदों पर विराजमान भी हो जाते हैं। 9 महीने की प्रसव पीड़ा को झेल महिला दोस्तों हमें जन्म देती है और फिर हमारे बड़े होने तक हमारा पालन पोषण करती है। उस महिला के लिए तो हर पुरुष के मन में अपार सम्मान होना चाहिए और तभी हम सही मायनों में सभ्य और सुसंस्कृत कहलाएंगे। दोस्तों, आपको अपने दिल की बात कहकर अच्छा लगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि इन मुद्दों पर, जो भी हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर मैं खुलकर अपनी बात कहता रहूँगा। धन्यवाद।